इसको भी एक छोटा वाला से छोड़ दे। हाँ सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी नर्सरी पर, आइए चलते हैं, देखते हैं आज नर्सरी में क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे हम। गाइस हमने ये गुलड़ के पौधे लगाए थे, तो ये कुछ कुछ हमारे नहीं हो पाए, ये छोटा ही रह गया। इसमें घास भी बहुत हो रही है, तो इसकी घास की भी सफाई करेंगे। अभी चलते हैं आगे की तरफ। गाइस ये बुकनवेल है, इसको देखिए कीड़ा खा रहा है, ये देखिए ये वाला पत्ता कीड़े ने खा लिया है, तो अभी हम इस पर दवाई करेंगे। ये देखिए हम पर घर से टंकी थी और दवाई लेकर के आए हैं, गिंडार मारने की दवाई है ये, तो हम इसको बुकनवेल पे करेंगे। ये देखिए गाइस अकबर दवाई मिला रहा है। गाइस ये है कीटनाशक, ये है फफूंदी नाशक, कुछ पौधों में फफूंदी भी लगी है, तो इसलिए हम फफूंदी की दवाई भी डाल रहे हैं। और अब हम नाप करके डालेंगे एक टंकी में लगभग 20 ml दवाई, अपनी ज़रूरत के अनुसार डाल लेते हैं। ये है ग्रोथ वाली दवाई, जो पौधे जिससे जल्दी ग्रोथ करते हैं, इसको भी हम लगभग 10 ml डालेंगे। ये देखिए गाइस अब इसमें पानी डाल के मिलाएंगे। बस गाइज ये हो चुकी है अब हमारी एक टंकी की दवा। अगर हमें एक से अधिक टंकियों की दवाई बनानी है, तो हम उसी के अनुसार नाप नाप करके एक ही बार दवाई मिला लेंगे। गाइस अब हम इसको पहले धो लेंगे, जो इसमें पहली दवाई का असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और ये अक्सर ध्यान करने वाली बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा हैवी दवाई लगी हुई होती है और हम मशीन को धो नहीं पाते हैं, तो जिससे क्या हम वो किसी और पौधे की दवाई होती है, हम किसी और पौधे पर किसी और कीटनाशक के लिए लगाते हैं, तो वो नुकसान दे जाती है। तो इसलिए हमें इसको पहले धो लेना चाहिए और उसके बाद में ही हमने अपनी अगली दवाई करनी। ये मैं इसको इसलिए लगा रहा हूँ, जैसे कि इसमें गड्ढे में पानी भरा हुआ है, और जैसे हम भरते हैं तो इसमें रेता वगैरह आ जाता है, तो इससे कपड़े से छान के भरेंगे तो पानी वानी रेता नहीं आएगा, और इसमें पंप इसका बंद नहीं होगा, वरना कचरा जाने से इसका पंप बंद हो जाता है। गाइस ये हमारी टंकी तैयार हो गई है, अब चलते हैं सीधा लगाने पर। ये देखिए गाइस अकबर ने टंकी कंधे पर टांग ली है, अब ये दवाई करने जा रहा है। जिन हमारे पौधों पर कीड़ा लग रहा था उस पर दवाई कर रहा है अकबर।
तो मिलते हैं गाइस दवाई के बाद। सो फाइनली गाइस अकबर ने इन सारे पौधों पर दवाई मार दी है, कीटनाशक दवाई आप देख सकते हैं गाइस। ये हमने चावलों की पोत तैयार की है, ये जितना भी आपको खेत दिखाई दे रहा है इसमें लगाने के लिए, ये देखिए चावलों की पोत तैयार की है हमने गाइस। इसमें हमने सफ़ेदे की पोत तैयार की है, ये आपको दिख रही होगी। अभी इसमें घास बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए कम कम दिखाई दे रही है। अभी हम इसकी घास की सफाई करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं गाइस। ये है आंवले की पौध, इसको हम अभी तैयार कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद इसको पाउच में लगाएंगे गाइस। अब हम चलते हैं पेड़ों की कटिंग के लिए, जिसमें क्या पेड़ों की ग्रोथ कम होती है, जैसे कई कई ज़्यादा कल्ले छोड़ देते हैं उसमें जो ग्रोथ पेड़ों की कम होती है, तो उसके लिए हम पेड़ों की छटाई करते हैं। तो हम बताते हैं आपको किस तरीके से होती है। इस तरफ से शुरू हम करते हैं छटाई। तो ये देखिए गाइस, ये शीशम का पौधा है और इसमें जो नीचे से ऊपर तक कई प्रकार कई सारे कल्ले हैं, और हम इनको जो काट देंगे तो ये पेड़ पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा ऊपर की तरफ, और नीचे से भी साफ़ सफाई हो जाएगी इसमें। तो पहले हम इसके कई सारे कल्ले काटेंगे और उसके बाद फिर इसकी साफ़ सफाई भी करेंगे। देखिए गाइस, कासिम काट रहा है, गाइस इस तरह से इन पौधों की छटाई होती है। अभी हमने नीचे छांट दिए हैं तो ये पौधा ऊपर को थोड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। गाइस ये हमने अब इसकी कटिंग कर दी है शीशम की, और ये अब सीधी चलेगी ऊपर की तरफ, ज़्यादा जल्दी इसकी हाइट होगी और ग्रोथ करेगी। और अब हम ऐसे ही इसी तरह से इसकी राय जामन है, इसकी भी इसी तरह से कटिंग करेंगे, दिखाते हैं हम आपको। इसमें जो है ना, जो नया कल्ला हो इसका भी नीचे से सीधा और छोटा हो और ऊपर वाला टेढ़ा हो। इसे काट दे।
देखिए गाइस कासिम काट रहा है, ये ज़्यादा ग्राव हो रही है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। इसका भी एक छोटा वाला इसे छोड़ दे यो। हाँ पर जरूरत पड़ी ना तो ये तेज चला तो बाद में क्या काट देंगे टेढ़े वाले। देखिए गाइस अभी हमने पूरा तरीके से साफ कर दिया इसको, सारे पौधे हल्के हो गए, छीले कर दिए गए हैं और इसमें अब हवा लगेगी और जल्दी ज़्यादा बढ़वार करेंगे, पहले से बेहतर हो चुके हैं। हमने इन सब फूलों की कटिंग कर दी है। गाइस आप कमेंट करके बताएं कि पौधों की कटिंग कैसी हुई है, सही हुई है कि नहीं हुई है। गाइस हमने इसकी अभी घास निकाल रहे हैं और इसमें जो पौधे थे वो कुछ पौधे मर चुके हैं और कुछ अभी हैं, थोड़े से पौधे बाकी हैं, इनकी घास निकाल के इनकी सफाई करके हम इन पौधों को बाहर निकाल लेंगे और इनकी जो खाली थैलियाँ इनमें फिर से कोई नए पौधे लाएंगे। ये देखिए गाइस कासिम ये घास निकाल रहा है और ये बस थोड़ी सी रह चुकी है और हम इसको बहुत जल्द सफा कर देंगे। एक ये पीछे वाला गाइस हमने इसको भी साफ किया है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।